वेलकम बैक दोस्तों वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास एट का बच्चों साइंस का एम सी की प्रश्न चैप्टर टू का बच्चों ठीक है जब आपको फाइनल परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों होगा तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्तों बहुत समझिए क्या कि चैप्टर टू धातु एवं अधातु चैप्टर का नाम दोस्तों ठीक है प्रश्न के पहला बार समझिए क्या कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है बच्चों ठीक है आप फिर जो प्रश्न आपका एग्जाम इस तरह पूछेगा निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है बच्चों ठीक है दोस्तों सिंपली आपको सही आपको लगा हो जाएगा सोडियम सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं ठीक है चलते तो नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न दूसरा प्रश्न समझिए क्या कि एक उच्च आघात वर्धीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है बच्चों ठीक है सिंपली क्या खाद पद पैक करते हैं हम लोग सिंपली शुरू करते हैं हम लोग से से करते हैं खाद्य पदार्थ को पैक बच्चों ठीक है चलते नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न का तीसरा प्रश्न समझिए क्या कि एक अधातु जिसमें चमक होती है बच्चों ठीक है सिंपली आपको हो जाएगा आयोडीन आयोडीन में बहुत सारा चमक तो होता है ठीक है बच्चों क्या है बोला ये अधातु बच्चों ठीक है चलते नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न के चौथा समझिए क्या कि की खाली जगह होती है बच्चों ठीक है सुचालक है तो सुचालक बच्चों ठीक धातु क्या उषमा का सुचालक बच्चों होता है ठीक है चलते नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न की फाइव बॉर्ड समझिए क्या कि की अधातुष्मा एवं विद्युत का खाली जगह होता है बच्चों ठीक है सिंपली क्या सोच होता है अधातु में से उसमें कहता है कुचालक कहता है कुचालक बच्चों ठीक है चलते नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न देखिए आपको यहाँ पर छठा बार समझिए क्या कि धातुए समृता किस रंग की होती बच्चे धातु में सोचो भूरा रंग का होता है बच्चों ठीक है चलते नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न देखिए सातवा क्या कि वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है बच्चों ठीक है सिंपली ग्रेफाइड तो क्या है विद्युत का सुचालक बच्चों ग्रेफाइड है ठीक है क्योंकि इसमें जो करंट आपको प्लास्टिक में पास बच्चों नहीं होगा हीरा में भी करंट बच्चों पास बचो नहीं होता तो ठीक है साथ में, कि में क्या है लकड़ी में भी करंट बच्चों का पास वो इससे क्या धातु हो जाएगा आपको दोस्तों आप ग्रे ग्रेड फाइट देखिए जिसमें से उसमें पास बच्चों हो जाएगा ठीक करंट है करेंट जिसमें से पास बच्चों हो जाता है ठीक है चलता नेक्स्ट प्रश्न बच्चों प्रश्न देखिए आपको आठ नंबर समझिए क्या कि धातुओं के ऑक्साइड होते बच्चों ठीक तो धातु ऑक्साइड में होता है छारकीय ऐसा छारकीय बच्चों ठीक है चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों प्रश्न देखिए आपको यहाँ पर नाइन नंबर समझिए क्या कि अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं अधातु ऑक्साइड में तो होता है अमलीय क्या देखिए अस्य अमलीय अस्य आहता आपका अधातु बच्चो ठीक है तो इस तरह तो आपको याद रखना है कि आज से होता है अमलीयता अधातु बच्चो ठीक है अधातु है थी। थी। प्रसंद, प्रसंद में होता हमेशा ऑक्साइड होते अमलीय ऑक्साइड नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न दस समझिए क्या कि निम्नांकित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है सो ठीक है आप फिर प्रश्न आपका एग्जाम में पूछ सकते हैं आप लोग को सबसे अधिक सक्रिय धातु बच्चो ठीक है सिंपली जगह आपका सोडियम सोडियम जिक्या जिक्या जो क्या आपको सबसे अधिक सक्रिय धातु बचो ठीक है चलते नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न देखिए ग्यारह समझिए क्या कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु है दोस्तों तो आप एग्जाम प्रश्न तो आपको निम्न में कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है सिंपली हो जाएगा पारा पारा से क्या हम लोग का द्रव अवस्था में तो पाया जाता है ठीक है तो प्रश्न देखिए बारह समझिए क्या कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु है दोस्तों ठीक है

निम्नांकित में से कौन सा धातु नहीं बच्चों इसमें धातु वचक कौन सा धातुक नहीं ठीक दोस्तों सोलह वर्ष क्या की सबसे अधिक सक्रिय है बच्चों ठीक है सिंपली को सही समझेगा फास्ट करेगा फास्ट फोरस नेक्स्ट सत्रह वर्ष समझिए क्या की कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है बच्चो चांदी चांदी क्या सबसे अच्छी चालक बच्चों का चांदी में से अच्छा पको पको पास होता क्या का है वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता ठीक है सिर्फ आघात वर्धनता है आघात वर्धनता बच्चों का धातुओं का वह है चलते नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न देखिए उन्नीस समझिए क्या धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते बच्चों ठीक तो सिंपली लचीलापन के कारण आसानी अभी तार को बना सकते बच्चों ठीक है धातु को सो ठीक है चलते नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न देखिए आपका बीस वर्ष समझिए क्या कि निम्न में से किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है बच्चों जस्ता जस्ता को आसानी से पीट के पतली चादर बना सकते बच्चों ठीक है चलते नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न किया किस वर्ष समझिए क्या कि धातु समन्नता ठोस होते बच्चों ठीक है निम्नाकित में से कौन सा धातु कमरे के तापकरण पर दर्व अवस्था में होता है बच्चों ठीक है सिंपली बच्चों को मरकर इसको बोलते हैं पारा बच्चों ठीक है चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों प्रश्न देखिए आपको बाईस प्रश्न समझिए क्या कि इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से विक्रिया करती है बच्चों ठीक है सिंपली आपको सोडियम सोडियम विक्रिया जो कहता है ठंडे पानी के साथ आप ठंडे हवा के साथ बच्चों ठीक है चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न देखिए आपको समझिए क्या कि विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है बच्चों ठीक है सिंपली सही बच्चों तांबा तांबा का बना हुआ तो घंटी जब स्कूल में सब बजता है डेली बच्चों ठीक है दोस्तों वीडियो में कर से कम फुल सोलूशन तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा वीडियो को लाइक दोस्तों वीडियो को जैसे झारखंड का हर एक बच्चे वीडियो को पहुँचा दी थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत ठीक है दोस्तों सारे प्रश्न आपको फाइनल परीक्षा में से आएगा सो ठीक है चलते